इस वादे को जो सरकार तोड़े, इस वोट का जो आपके पास ईमान है, इसका पहला फर्ज है कि जो वादा खिलाफी करे वो लोकतंत्र को नाश और सर्वनाश की तरफ उसे मिटाए, उसे तबाह करना, तबाह नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है उसे इन वादा खिलाफी की सजा जो है वो अगले चुनाव में देना। और आने वाला 19 का चुनाव जो है वो आपके सामने तत्काल 2 वर्ष बाद चल रहा है। नौजवानों, पार्टियां और पार्टियां में हमारे जैसे लोग हैं, अब तो देश आने वाला आपके हाथ में है। मैं आया यहां इसलिए हूं कि यहां से पूरे देश के कस्बे से लेकर, शहर से लेकर, कबाड़ टाउन से लेकर, दिल्ली से, दिल्ली अपना फर्ज पूरा करे। देश में 2 तरह की जिम्मेदारी, एक तात्कालिक चुनौती है 2014 की, और उस चुनौती के लिए आपको उन्होंने हक दे दिया, आपको उन्होंने ताकत दी है। यहाँ यूनियन जीती इसलिए है, पहले नहीं जीत रही थी, वो शाम दाम दंड भेद से कर लेते थे, लेकिन इस बार आपको ये फर्ज आपके कंधों का, ये यही दिल्ली तक ना है, आपको जो तात्कालिक संकट है उसके लिए तो जूझने चाहिए, क्योंकि आपका ही भविष्य है, इसलिए हम यहाँ। और यही बात कहकर के मैं कहना चाहता हूँ कि साझा विरासत का इसलिए चर्चा कर रहा हूँ संविधान की, कि ये बहुत बड़ी त्रासदी देश में आज़ादी के साथ है, कोई भी बढ़ गया था, 3 हिस्से हो गए, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जो हो गया सो हो गया, आगे किसी तरह के जात बिरादरी मजहब धर्म खराबियां हो सकती है, उन्हें साथ रह करके एक दूसरे को सह करके, बर्दाश्त करके, वैसे जिस तरह से हमारे पुरखों ने मुल्क को देखे हमको गए, अब जो है वो आगे वो गलती ना हो जाए। और मुल्क बढ़ने के चलते आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो सुरक्षा बजट है ये 70 वर्ष में मुल्क में आज बहुत आगे जाता है। मुल्क नहीं बढ़ता तो 35% 30% 18 लाख करोड़ के बजट में से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख सिर्फ इस मुल्क के बटने के चलते हम हथियार खरीदते हैं। यदि ये 3-3.5 लाख हर साल बचा होता तो मुल्क की यह बेकारी, बेरोजगारी, सब तरह की समस्या इतना नहीं खराब होती, मुल्क बात किया बट गया। सबक यह है कि आगे किसी तरह का, किसी बीमारी के चलते मुल्क में किसी तरह के बंटवारे की बात, चाहे जात हो, चाहे बिरादरी हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे भाषा हो, चाहे पानी हो, किसी तरह का झगड़ा हो, वो जितनी ताकत के साथ हमको उस झगड़े को, उस बात को के ऊपर खड़ा होना है, उसे दबाना है, संघर्ष करना है, उसको पूरी ताकत से, मुकद से, अपने सामर्थ्य से उसे लड़ना है। कभी इंसान था, इंसान बन के हर एक आदमी खड़ा होना, यही संविधान कहता है, इंसान बन के हमेशा जीना चाहिए, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। ये 70 वर्ष जहां जाना चाहिए था मुल्क बढ़ने के चलते भी उसको बहुत रुका है, अब आगे पिछले दौर में नशा गए, खराबी हो गई, आगे खराबी नहीं होने देना है, इसी मकसद से यहाँ आए, यही हमारा मकसद है कि यहाँ आपके मन को, आपकी जो जहनीयत है, आपका जो मानस है, उसे हम टटोलने और उसे नाक करने आ रहे हैं कि आपका फर्ज बड़ा है। हम लोग तो साझा विरासत में सब पार्टियों के लोगों के साथ घूम रहे देश में, लेकिन आए हैं इस मकसद से यहाँ कि ये काम नौजवानों के बीच में आप करेंगे, हिंदुस्तान जो है वो मुझे यकीन है, जैसे आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नया साझी विरासत का
चुनाव करके एक नई यूनियन बना दी है। मैं किस पार्टी के ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने आता का अब्बा फैला करके कब्जा रखा था, जात बिरादरी चला करके कब्जा रखा था, उन्होंने देश में भी ये करके रखा। आपको इसी विसंगति में लोगों ने जिताया है, आपका फर्ज है। ये लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ बंटवारा चाहते, इंसान इंसान के बीच में किसी तरह सारी जात हो, बिरादरी हो, मजहब हो, लैंग्वेज हो, भाषा हो, धर्म हो, कोई चीज नहीं छोड़ बांट करके। अंग्रेजों के बारे में बोलते, अंग्रेज तो बहुत छोटा काम किया, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये जो जात जात के बीच में, ये बहुत विकट लोग आ गए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि हालात जो है वो इनने वादा 14 में जो किया था उसको पूरा नहीं किया। सारण साधन सरल बात है, सहज बात है। लोकशाही लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता यदि शरद यादव जो बोल रहा और उसमें उसका काम जो है इसके विपरीत है। उसी समय माँ बहन बेटी को देख, हम सब लोग बहुत लोग तो गांव से लोग आए, घर में भी रहते, हमारी सफाई कर्मचारी रहती है, पैरों उठ के क्या करते हैं, जो बढ़िया चीज होती होगी उसको उठा लेंगे और हाथ में झाड़ू लेंगे और जो कचरा उसमें आ झाड़ू लगाएंगे, घर में सफाई करेंगे, खाना बनाने वाली जगह को पूरी तरह साफ करेंगे, रोज करेंगे, तब रहने काबुल और खाने काबुल कर लेंगे। ये सबक जो है वो जैसे गांव में, घर में, शहर में, कस्बे में, हर दिन घर को हम ताजा करते हैं, उसी तरह लोकतंत्र का तकाजा है कि जब चुनाव आए तो जो मैंने कहा, किसी राजनेता ने, किसी पार्टी ने जो बात कही है, यदि वो बात पूरी नहीं की है तो ना जात, ना बिरादरी, ना मजहब इंसान बन के खड़े होंगे। जितना इंसान बनोगे उतना ही मुल्क बनेगा। जितना अपने पीछे जात बिरादरी मजहब का जो संस्कार है उसको छोड़ोगे उतना ही इंसान बनने का काम करोगे, और इंसान बनने का काम करोगे तो लोकतंत्र जो है वो तो बहुत सरल आसान तरीके से आपके पास खड़ा होगा, आपको राहत देगा। उस राहत को वापस लाने के लिए ये आपके विचार है, उसमें सहयोग करिए। आप जीते हैं तो आप जीतने के साथ आपका बहुत अभिनंदन हुआ होगा, स्वागत हुआ होगा, लेकिन आप ऊपर एक फर्ज भी है कि विश्वविद्यालय उत्तर भारत का या देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बहुत कमी आने से मास्टर से लेकर टीचर से लेकर सुविधा से लेकर भर्ती से लेकर सब तरह के जो जाति यहाँ भी, लेकिन इंसान की जिंदगी में तो कई तरह की, मैंने आपको बताया कि दिक्कतें रहे, इसके बावजूद भी आज़ादी मिला है, इसके बावजूद भी मुल्क बनाने के लिए लोग लड़ते। आपसे भी मेरा कहने का आपको ऊपर फर्ज है, वो फर्ज ये है कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, आपको इंजन का काम करना चाहिए, जो लोग जीते हैं उनको सारे विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। 19 में ऐसी तारीख है 19 का चुनाव, ये जो वादा करने वाले जिन लोगों ने वादा किया इन्हें पूरा नहीं किया, इनको तो जैसे आपके हाथ में वोट आएगा उस वोट से हर बटन दबा दबा के, और बटन दबता है बिजली से, आप से, बहन से, बहन से, भाई से, गांव से, देहात से, हर जगह बात करें, बात करके बटन जो है वो ईमान का लगना चाहिए, जय बटन, जय बटन, जय बटन। और ये बिजली से इसलिए जो भी वादा खिलाफी करता है उसको गांव में हम लोग कहते हैं जैसे बैल पसंद जाता है, तो इसको जो भी झूठ बोला है, जो भी नेता है, चाहे वो MLA है, चाहे MP है, सरकार है, वो लश्त पस्त हो जाए, पसंद जाना चाहिए उसको, याद रहे कि वादा खिलाफी आगे समय पर ना करें। यही बात आपके बीच में निवेदन करने आया था, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूरी कार्यक्रम है लेकिन और आपके बीच में रहता, मुझे माफ़ी चाहता हूँ कि अग्रवाल साहब अभी तक नहीं पहुँचे, जो भी वो हमारे पुराने मित्र साथ में रहे, मैं उनका भी यहीं से अभिनंदन करता हूँ। JP अग्रवाल जी जो है वो हमारे साथ सांसद भी थे, बड़े भले आदमी हैं,
उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा लंबा बोल दूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। मैं उनसे भी और आप सबसे भी बहुत बहुत आपका आभार मानता हूँ कि लोगों ने मुझे बुलाया। अब मेरी विनती आपसे इस फर्ज को विस्तार करो, इस फर्ज को बढ़ा दो, हर विश्वविद्यालय में नौजवानों को खड़ा करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।